नाम वापसी की आखिरी तारीख समाप्त हो जाने के बाद औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए अब कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने बताया कि किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया है और आज इन प्रत्याशियों तथा इनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव प्रचार से जुड़ी आचार संहिता की भी बिंदुवार जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह कृत संकल्पित है और इसके हर संभव तैयारियां की जा रही है। हमारी एसएसटी 23 टीमें हैं, एसएसटी 18 हैं, एसएसटी फ्लाइंग स्क्वाड है, उड़नदस्ता, एसएसटी स्टैटिक है इसको बोलते हैं, एक खास क्षेत्र में वो भी ढूंढता है मगर वो एक सीमित क्षेत्र में है। इसके अलावा भी हमारे पास है वीडियो सर्वेलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम जो भाषणों को देखेगी, उसने उन्मादी वक्तव्य या कुछ वातावरण को खराब करने की कोशिश, ये देश जातीय आधार पे भड़काना, धार्मिक आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे, वंश के आधार पे, इन सब चीजों को हम लोग बिल्कुल ही इसमें गलत मानते हैं, चुनाव के दौरान उससे कड़ी कार्रवाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आज औरंगाबाद दौरे को लेकर एनडीए की एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के सह संगठन मंत्री समेत गठबंधन की तीनों पार्टियों के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। सभी ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए औरंगाबाद की लोकसभा सीट पर हर हाल में एनडीए का परचम लहराने का संकल्प भी लिया। सफल बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को सफल बनाने के लिए और इसमें और धार देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पदार्पण हो रहा है, इससे हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत उत्साह मिलने वाला है, हमारे कार्यकर्ता ऊर्जान्वित होने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में हमारे एक एक कार्यकर्ता जनतांत्रिक गठबंधन का, वो सब मिल करके ये प्रमाणित करने वाला है कि जिस आशा और सहयोग के साथ वो हम पर विश्वास करते हैं, हम उनके सामने समक्ष उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता सामूहिक रूप से उनको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि जिस विश्वास के साथ और जिस उत्साह वर्धन के लिए। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के लखनऊ से चुनाव लड़ने पर आज दौरहार लोकसभा की जनता ने जितिन का रास्ता रोका। NH-24 पर हजारों लोगों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि आप यही से चुनाव लड़ो, इसी के साथ हजारों लोगों ने नारे लगाते हुए कहा कि दौरहरा को जितिन चाहिए, जितिन चाहिए। आपको बताते चले कि 2009 में दौरहरा सीट से जितिन प्रसाद कांग्रेस से जीते थे और लगातार यहां पर काम किया। वहीं 2014 में चुनाव हार गए थे, लेकिन वह लोगों में अपनी पहचान बनाए और जुड़ाव रहा। भावनाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये वो क्षेत्र है जहाँ मैंने 15 साल इन यहाँ के लोगों के साथ काम किया है, साथ निभाया है। एक बहुत गहरा और अटूट रिश्ता है धौरहरा क्षेत्र की जनता के साथ मेरा, और ये क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं नेतृत्व से बात करूंगा और आग्रह करूंगा। ऐसा तो नहीं कोई साजिश के तहत आपको वहां लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ाया गया है? ऐसा है, पार्टी के कुछ लोगों ने किया हो ऐसा? राजनीति में तो साजिशें होती रहती हैं जी, मगर जो हमारा जुड़ाव जनता और कार्यकर्ताओं और यहां आप देख रहे हैं जी, सब साजिशों को धूल में उड़ा देगा जी। नवादा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के प्रथम चरण में 11 तारीख को होने वाले मतदान के लिए नामांकन दर्ज कराने वाले प्रत्याशियों में से किसी ने भी नामांकन वापस नहीं लिया। 13 प्रत्याशी मुकाबला करेंगे, जबकि विधानसभा में 8 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। सभी प्रत्याशियों के बीच चुनावी चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। प्रेक्षक ने प्रत्याशियों के साथ बैठक भी की और उनके अपना नंबर देकर किसी भी तरह की सूचना देने की बात कही। जिलाधिकारी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी के साथ मतदान का प्रतिशत भी बढ़ोतरी की बात कही। विधानसभा उपचुनाव में स्क्रूटनी के बाद 8 कैंडिडेट थे, जिसमें कि आज लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल को किसी कैंडिडेट ने विड्रॉ नहीं किया है, तो वहाँ भी विधानसभा उपचुनाव में 8 कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे और उन सभी को भी चुनाव चिन्ह निबंधित कर दिया गया है। और माननीय प्रेक्षक महोदय के प्रेजेंस में आज पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स की बैठक भी हुई है, जहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के निर्देशों के बारे में बताया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है किसी भी तरह कोई कंसर्न हो तो आरओ को, एआरओ को या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वर साहब को वो अपना कंसर्न बता सकते हैं। उनका फोन नंबर भी उनके द्वारा शेयर किया गया है। कोटा शहर के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पदस्थापित महिला नर्सिंग कर्मचारी अस्पताल और
चिकित्सा विभाग की कार्रवाई में परेशान होकर अस्पताल में अनशन पर बैठ गई है। वहीं पुलिस को उक्त मामले की सूचना लगने पर वह अस्पताल पहुंची और आचार संहिता का हवाला देते हुए अनशन पर बैठी। महिला नर्सिंग कर्मचारी को अपने साथ थाने ले आई, जहां पर महिला नर्सिंग कर्मचारी ने अभद्रता करने वाले चिकित्सक के विरुद्ध लिखित में अपनी शिकायत दी। महिला नर्सिंग कर्मचारी ने कृष्णा ने बताया कि 17 नवंबर की दिन वह अपने किसी परिचित की जाँच निःशुल्क कराने के लिए डॉक्टर अमित सारस्वत के पास गई थी, जहाँ अमित सारस्वत ने उससे अमृता की ओर उन्हें अपशब्द कहे और उसके बाद अस्पताल प्रशासन के सम्मुख उक्त मामले को उठाया गया, जिसकी जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन जांच कमेटी में कोई निर्णय नहीं निकला। उल्टा जांच कमेटी में मौजूदा डॉक्टर दुलारा द्वारा उन्हें कई बार दबाया गया। वहीं उन्हें हाल ही में 3 दिन में 3 आदेश आ गए, जिसमें उन्हें अलग अलग जगह स्थानांतरित किया गया। इसी से परेशान होकर महिला नर्सिंग कर्मचारी ने अनशन का रुख किया और वह अस्पताल के मुख्य गेट पर अनशन पर बैठ गई। वहीं महिला नर्सिंग कर्मी कृष्णा ने पुलिस को अपनी लिखित शिकायत सौंपी है। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है।